समझ नहीं आ रही क्या अल्फाज लूँ इनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए। यू नो वॉट, आई थिंक वी शुड कीप इट रियली सिंपल एंड लेट द मैजिशियन डू हिज मैजिक। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज द किंग ऑफ कॉमेडी, मिस्टर उमर शरीफ। अस्सलामुअलैकुम यार, मैं देखना चाहता था कितने जीनियस हैं आप लोग, और साबित हो गया कि जीनियस लोग इतनी रात गए तक ही जाग सकते हैं, बेवकूफ तो रोटी खाते ही सो जाते हैं। मुझे दुबई एयरलाइन में एमिरेट्स का अनाउंसमेंट सबसे प्यारा लगता है, हमारी औरतें तो फौरन दुपट्टा ले लेती हैं उसमें, हमारे लोग जेब से निकाल के टोपियां पहन लेते हैं, क्योंकि अरब की लैंग्वेज का मसला है। हम जब फर्स्ट टाइम वहाँ गए थे 79 में, तो एक जगह अरबी लिखी थी तो मैं चूमनी शुरू कर दी, तो किसी ने मुझे समझाया कि भाईजान ये बाथरूम है। मैं कहा अच्छा माफ़ कर। लेकिन मुझे एमिरेट्स अच्छी लगती है, बेहतरीन एयरलाइन, अनाउंसमेंट बड़ा प्यारा है, बात ही सब है। अब आप इधर आ जाए, फिलिपाइन एयरलाइन, अलग ही यतीमों वाला मुंह। वो लग रहा है स्टीवर्ड अभी जो है ना चंदगी अपील करने वाला है। ट्रेन फिलिपाइन एयरलाइन, वी आर गोइंग टू टेक ऑफ। No problem. During the travel, we will provide you food, water, cold drink, if you have to pay. Because very poor airline, cheap ticket, discounted ticket are not allowed to sit on the seat. Bangladesh airline. बांग्लादेश वालों के चेहरे पे हमेशा गुर्बत और परेशानी, चाहे खुशहाली हो चाहे कुछ ना हो। हमारे यहाँ मैच खेलना है, हॉकी का टीम, अल्लाह माफ़ करे, 17 गोल हो गए, बंगाली कैप्टन रोने लगा, बोला बूथ गुल हो गया है, 17 गुल बूथ हो गया है, इतना गुल कर दिया है, हमारे को गेंद नहीं दे रहा है, प्लेयर गोल कर रहा है पर वो नहीं है, 2 गोल पब्लिक ने भी कर दिया है। हमने अब बांग्लादेशी एयरलाइन, इनकी अनाउंसमेंट लग गया, अरब जहाज चलने के लिए तैयार था मगर अचानक अगला वाला पोइया पोन्सर हो गया है, कैप्टन पोन्सर लगवाने गया है, आएगा तो सल जाएगा। पे आए के पास पे किचड़ी आठ रावण के लिए तैयार है, मुसाफिरों से दरखास्त है जहाज पे आ जाए ना। जो छोड़ने आए होते ना वो भी टिकट ले लेते कि यार आज जहाज में कोई मसला है,
अब जात में मसला क्या है कि एक पतली सी खूबसूरत सी लड़की जो है ना वो रखी हुई होती है, उसने गंदुमी रंग होता है और ब्लू लेंस लगाए हुए होते हैं उस। अब अंदर पहुंचते के साथ ही वो लड़की आपको रिसीव करेगी, प्लीज कम, वेलकम टू प्लेस, हैव अ सीट, हैव अ सीट, थैंक यू वेरी मच, एनीथिंग यू नीड यू पुश दैट बट ओके थैंक यू। अच्छा हमारे लोगों का हाथ यूं ही रहता है फिर कि यार ये कह के गई ये गंदी दबाना। खूबसूरती यह है कि एक प्यारी सी लड़की आपको दी, उस पर आप देख रहे हैं कि कब ये इसको बुलाएं। अब वो औरतें छोड़ते हैं जो उन्होंने छुपा के रखी हुई होती हैं, उन पे कपड़ा डाल के रखा हुआ होता है और फिर वो इंटर होती हैं और वो औरतें हैं, आप भी मुझसे ज्यादा, मैं मुसलमान हूं, आपके दर्द को महसूस करता हूं, 3 लाख रुपए का टिकट, और जैसी औरत आप घर में रोती हुई छोड़ के जा रहे हैं वैसे ही जहाज में मिल रही है। घंटी दबाओ, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वाली आएगी, एक अजीब सी गठड़ी आती है, क्या चाहिए, आदमी डर जाते हैं जी, बस अल्लाह की पनाह चाहिए। बहुत सारे फनकार आए होंगे, आके चले गए होंगे और कुछ बैठे भी होंगे, ये फर्स्ट रो में शायद मुझे जावेद शेख टाइप का कोई आदमी लग रहा है, अगर हैं तो हाथ उठा दें। यस ही इज हियर, बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, यू रिमेंबर मी सर, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू टू। इसने मुझे फ्लाइंग किस किया है, हालांकि इसकी आदत नहीं है, ये कभी फ्लाइंग किस करता ही नहीं है। आपके साथ एक कंपलसरी आइटम होते हैं बैरो सब्जवारी, वो नजर है इधर कहीं, यहां नहीं पाए जाते, पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं, भावलपुर, यार ये आदमी अब कहां कहां जाने लगा है, भावलपुर। आपसे इतनी दूर से बात का मजा नहीं आ रहा है, एक दो लम्हे के लिए आप ऊपर आ सकते हैं पुराने तल्लुकात की बेस पे। कैसे बस? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूं कि ये शायद मेरा अपना ख्याल है, किसी चैनल की, किसी प्राइवेट चैनल की ये पहली इतनी ग्रेसफुल तकरीब है जिसमें इतना अच्छा क्राउड और इतना अच्छा वेन्यू और इतनी अच्छे लोग आए थे। यस यस, और ऑब्वियसली सुल्ताना आपा को सब जानते हैं, जितने भी आज 10 लोगों को इन्होंने, जो हमारे लेजेंड्स हैं उनको आज अवार्ड दिया, ये बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। ये रेड में बुशरा थी जी? हाँ बैठी है ना, ये सामने देखो रेड साड़ी में बुशरा अंसारी, कितनी प्यारी स्मार्ट, अल्लाह इनको नजर बस से बचाए, बहुत प्यारी लग रही है यार। गॉड ब्लेस यू बुशरा, बहुत 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 अच्छी लग रही है माशाल्लाह। मैं आपको पहचाना नहीं, यकीन करें आप, मैं आपको पहचाना नहीं, और अल्लाह का बड़ा करम है कि मैंने आपको इतने गौर से देखा नहीं। तुमने भी, तुम्हें तो पता ही होगा बुशरा, मैं तो पास ही बैठा हुआ था, तुम्हें तो पता, वरना तुम कहाँ इतना टाइम लगा। मैं चाहूंगा कि उमर शरीफ जैसा भी इस बड़े सगीर में ऐसा आर्टिस्ट नहीं होगा, एक दफा सब खड़े होके अ स्टैंडिंग ओवेशन टू उमर शरीफ प्लीज। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।